हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँ कि भाई सब के सब बढ़िया हो गए। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। और भैया, आज दिन है रविवार और सुबह के बज गए हैं 7:15, और मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो भी बाहर उड़ी सर्दी, ज़्यादा हवा चल रही है। आज सोच रही थी, इतनी जल्दी उठने के बाद कुछ काम नहीं होता, क्योंकि कपड़े धोने सोच रही हूँ। आज तो धोऊंगी, तो पहले कपड़े मतलब इकट्ठे करूंगी, किती किती गिर दे हमारे। और एक बार मैंने चाय पी ली है, एक बार और पीऊंगी। डांगर भी अपना भीतर बांधे रहे हैं, वो इब बाहर नहीं बांध सकते क्योंकि हवा तेज है। आज कुहाड़ खोल कभी उल्टे बंद कर दिए। सार्थक ने जैसे यहाँ पर टांग दी, अपने कमरे में टांग दी, वह शाम ने खिलन का तक ती रेत की हो रही। देखो ये बाबू बेटा सोन लाग रहे हैं, ये देख लो। इन्हें तो पता नहीं, मन अपनी रिजाई की कर दी है तय। तो मैं इतना सोच रही हूँ भैया, अपना जो पहले वाले काम है ना, वो निपटा लूँ। कपड़े धोने तो मैं 8 बजे ही लागूंगी, इससे पहले मैं गर्म पानी रखूंगी, क्योंकि गर्म पानी बिना तो मेरा काम ना चल रहा है। और चाय पीऊंगी, और इतने बाल में कंघी कर लूंगी, क्योंकि सुबह सुबह उठ कर एक बार हो जाओ ना जल्दी में कंघी, सबसे पहले तो फिर ये बाल बिखरे बिखरे नहीं रहते। तो पहले बाल में मैं कंघी करूंगी। भाई आवाज ज्यादा चल रही है आज। मौसम देखो बाहर का कैसा है, ये देखो धुंध दिखाई दे रही होगी। चिड़िया चहचाने लग रही है। गर्म पानी होने के बाद ही अभी अपना जहाँ का मैंने पोचा मारा, पोचा लगा दूंगी। वैसे ताजा पानी भी इतना ठंडा नहीं होता, लेकिन ताजे में ये मेरे पे हाथ नहीं बोए जाते। पहले मैं चाय पीती हूँ। चप्पल मैं डेली सारी धोकर धरूँ, मखा एक जोड़ी चप्पल बाहर रही रू मैं, गोबर गाबर में। और एक भीतर जावे तो पहन लेवे, देखो इनकाल। पर बात यह है, अब दोनों की दोनों ये गोबर में दासनी हो गए, हर फिर भीतर लेकर जाऊं मैं ये भी और ये भी। 2-3 बार धोऊं डेली इन्हें मैं, एक बार रह ले मैं एक भीतर। तो मैं कई जोड़ी जूते मेरे भी ऐसे पड़े रहूं, जैसे ये 2 जोड़ी तो मैं गोबर में पहनया करूं बाहर ली साइड, भीतर की मैंने अपनी अलग तो वो रख रखी, ताकि भाई भीतर गोबर ना जावे। भाई बेटा उठ लिया है, गुड मॉर्निंग। नींद आ रही है? रेत में दस रहा था यो शाम ने, कौन सा यो पैर रह जो, था? और रेत का था यो, सोए है। पहले कपड़े धो के उसके बाद मिलूंगी। तो यहाँ पे 8:15 बजे तक मैंने अपने कपड़े धो दिए थे, मैंने 8 बजन का वेट नहीं करया। तो मैं 7:30 बजे ही, 7 मतलब 40 होए थे ना, कपड़े धोने लग गई थी। हाथ गिल कपड़े धो दिए थे। कपड़े धोने के बाद मशीन में खाली सुखाया सुखाया करूँ भाई, सुबह जल्दी उठ के और जल्दी जल्दी सारे काम हो जाए ना, तो इस दिमाग पर प्रेशर हाना रहता। तो आज मैंने यही सोचा कि मैं अपने काम ना थोड़े जल्दी निपटाऊंगी। और काम तो मेरे जैसे भाई अपनी गामा में भी डांगर डोर का काम हुआ, अपने सर्दियों में भी डांगर तो जल्दी बाहर नहीं बांध सकते, तो उनका तो जो काम करना था, मैंने न्यार वगैरह करना था जैसे उनका, और धार निकालनी थी, वो तो मैंने पहले 5 बजे उठकर कर दिया। तो उसके बाद मैं आधा घंटा लेट गई थी। तो फिर उसके बाद सोचा मैंने भाई खाने का भी काम इतनी जल्दी नहीं होता, 10 बजे के करीब होता। मैं कहा इतना मेरे जो कपड़े रखे हैं ना, इन्हें धो दूंगी। दिमाग पे ये तो नहीं रहूंगा कम से कम दिन में कि भाई मैंने कपड़े भी धोने हैं। तो मैंने आज ये रूल अपना कर देखा, थोड़ा अच्छा महसूस होया। तो कई काम थे जो मैं दिन में मतलब ये धूप निकलने का वेट कराया कर दिया, कि धूप निकलेगी ना तो तब करूंगी। तो आज मैंने धूप निकलने का वेट नहीं करा, मगर इतना धूप निकलेगी ना कम से कम ये तो नहीं रहूंगा दिमाग पे भी कपड़े भी धोने हैं। तो मैंने अपने कपड़े धो दिए थे 8 बजे ही, तो मैंने ये धो दिए थे मैं, क्योंकि डेली के डेली कपड़े धोऊं हाथ के साथ धोया करूँ, खाली मशीन में सुखाया सुखाया करूँ। और भाई जैसे कल 22 तारीख ने राम मंदिर का उद्घाटन भी, तो मैं कहा थोड़ी बहुत दिन में साफ सफाई भी हो जाओगी और बाकी जो काम करने हैं वो काम भी हो जाएंगे। मैं आज ये 21 तारीख ने ब्लॉग बना रही हूँ, 10 बजे थी मेरा जितना जो कुछ करा था मैंने उसका बनाया था। उसके बाद भी एडिटिंग करी है, आई भी इसको
मतलब गेरूंगी यूट्यूब पे, मतलब डालूंगी व्लॉग को एडिटिंग करके। ये भी काम हुआ भाई, क्योंकि मखा मेरे पास बना हुआ व्लॉग था नहीं, तो कपड़े धो दिए थे, जूते खराब हो रहे थे जुड़े वो धो दिए थे। कुछ काम जो जल्दी निपट जावे ना, तो दिमाग में बता रही जैसे कि मैं बोझ हाना रवे भी, कई बार कंधी कंधी मैं तो बिचड़ जाऊं सू के कहना है, तो भी दिमाग में ना मतलब प्रेशर हाना रहता। मैं अपने कुछ आदत है जो सुधारूंगी, मैं कई बार क्या करूं हूँ सोचू दिन में करूंगी सारे काम, तो एकदम तो ऐसा प्रेशर रहा हो जाओ दिमाग पे, क्यों सारे काम एकदम हो जाओ। फिर वो जैसे कपड़े धोने का भी, धूप निकलेगी इतना वेट करूंगी, फिर भी डांगरा का भी काम हो जाए, तो इस तो बढ़िया मका जो काम है जैसे कपड़े का काम मैं कर सकू थी। ताजा पानी चला कर, कोई ज्यादा खास ठंड ना लगी, मतलब हो गया अगर डेली के डेली धो जाओ ना कपड़े तो इतने उमदे भी नहीं। अब जैसे धूप निकलेगी तो इन्हें खाली धूप में गिरने गिरने रह जाएंगे। मैंने कुर्सी पर डाल दिए थे धो के, और अपना भाई जैसे सुबह उठ के अपने बाल बुला में कंघी कर लेना, उससे थोड़ा सही सारा यार वह अग बाल ना दे। तो मैं ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जो वो सुधारूंगी, जैसे भाई फिर कपड़े धोने के बाद मैंने अपना झाड़ू दे दिया था, मखा कम से कम एक ये काम घटागा, जो उनसे भी काम होंगे ना मखा घटाने के, वो घटाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि झाड़ू का भी काम बतेरा हो जावे है, आधे घंटा तो मेरा लग ही जावे है। तो मैं ऐसे ऐसे छोटे काम करने के तो हैं जो इन तो करके अपना कम से कम दिमाग सही रहे, कुछ आदतों हैं जो सुधारण की हुए हैं और मैं उन सुधारू, क्योंकि मेरे में एक कमी है अभी, मैं अगर फोन न देखने लग जाऊंगी तो ना 1 घंटे तक देखा जाऊंगी उस, तो फिर मेरा काम पड़ा रहूंगा, तो बाद में फिर दिमाग पे रहेगा भी काम रह गया काम रह गया, उस तो थोड़ा मतलब दिमाग है भी हारा हुआ है। तो मगर इस तो बड़ी अपना मैं जल्दी उठकर 2 घंटे लगातार काम कराया करूंगी, जैसे भाई 5:30 से 8:30 तक बहुत सारे काम है जो हो सके हैं, बाकी खाना खुना बनाने का काम है वो तो भी 10 बजे के करीब सी होवे है, उस तो पहले को ना हुंदा। और जैसे कि अब 23 तारीख से तय सार्थक के स्कूल भी खुल जाऊंगे, तो स्कूल खुलने के बाद और थोड़ा काम मतलब बढ़ जाएगा। अब तो ये बच्चे का भी काम नहीं है, 20-22 दिन हो लिए छुट्टी हो रही है, उसके काम तभी थोड़ी फुर्सत सी मिल रही है, क्योंकि सुबह बच्चे को तैयार करना, टिफिन तैयार करना, ये काम भी तो हो जाएंगे, अपने आप काम बच जाएंगे। फिर तो फिर मैंने झाड़ू झूड़ू दे दी थी, पहले मेरे ये रहा करता भाई कि भैंस बार बंद कर बरंडे मत, तो फिर मतलब बाद में झाड़ू दूंगी, तो फिर मैंने सोचा मखाज ना, क्योंकि फिर ये बाहर निकला ना खराब कर दे, मखा देखी जाओगी पहले थोड़ा साफ सुथरा कर, कम से कम भी 11-12 बजे थी तो दिमाग फ्रेश रहूगा, 11-12 बजे ही के करीब ये भैंस बार बंद बांध दी जाऊ, उस तो पहले ना बांधी जाती, तो मखा इतना ये काम करके थोड़ा दिमाग शांत रहेगा। तो आज तो मैंने अपने कुछ रूल हैं जो चेंज करे हैं, तो फिर मैंने पानी रख दिया भाई, पानी मेरा आ रहा सही ना दिया गया था, मतलब गिरट गया था यो, उसके बाद फिर मैंने रसोई के जो काम थे मेरे, जैसे भाई दूध दाद के बर्तन हो जावे हैं, नरे बर्तन हो जाए गा, मम पता सब ने भी दूध जो भैंस रखा है उनमें का क्या क्या ही, मैं दूध रह आई रहा कर कसना में, तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी लेकर गरम, क्योंकि ठंडे पानी तो ना ये चिपक जावे है, साइडा मक जो घर का प्योर दूध है भाई वो तो देखो चिपक है उसकी, तो जो ऐसा मतलब शाम ने रखा था मैंने, यो क्रीम सी हो नरी चिपक जावे है, तो इसने गर्म पानी करके धोधा कर बर्तना नमका ये बिखरे बिखने रहे, कैसे जैसे मखा ऐसे ऐसे काम तो ये जो जल्दी हो सके ना करके, अपना दिमाग फिर वही बात आ कि दिमाग शांत रहेगा। मखा कुछ रूल हैं जो चेंज करने हैं, उनको मैं चेंज जरूर करूंगी अपनी लाइफ में, थोड़ा चेंज ले आऊंगी, मतलब जिस तरह भी पॉजिटिविटी आवे, मतलब जितनी साफ सफाई रहो ना उस तो पॉजिटिविटी भी आवे है, और दिमाग सबसे मेन पॉइंट है दिमाग शांत रहना, तो मैंने आज ये रूल अपना के देखे तो थोड़ा दिमाग पे भी ये रहा, हाँ भी तेरा ये काम हो गया, नहीं तो ना ये रो है दिमाग में कि उदास उदास से रो, दिमाग पे एक भारीपन, हाँ ये काम रह रहा है यू रह रहा, तो मतलब रह ही रो है ही सहा। फिर उसके बाद भी मेरा नंबर आ गया था तीसरी बार चाय पीने का, क्योंकि ठंड हो रही थी, एक दो काम करते कपड़े धोए थे, कपड़े धोने तो पहले भी 2 बार पी ली थी मैंने, यो काम खराब लग गया मैंने भाई, मैं चाय कई बार पी ली हूं, तो फिर मैंने थोड़ी अपने लिए चाय बना ली थी, मका फिर बाद में नहीं बनाती हूँ, आज तीसरा नंबर आ लिया चाह का, चाह के बिना ना मतलब शरीर में सुस्ती ही रही रहे है,
फुर्ती नहीं आती, चाह नहीं पीऊँ तो पता नहीं, वैसे देखो शरीर के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, फिर भी पता नहीं के लुगाइया का तो यो है चाह में बेरा नहीं के दिखा है। फिर कई दिन हो गाजर आई रखी थी मकाई ने, छोल चीर कर रख दी उसके भाई, खाना जब बनाओगे अपना बना लेंगे, जो बनाना या तो सब्जी बनाऊंगी या रायता बनाऊंगी गाजर का, तो साथ में मेरी चाय उन लाग रही थी। कई काम हो गए हैं ब्लॉक की साला, गया जरूर बताइयो भाई, अपनी छोटी छोटी आदत में सुधार करना चाहो तो कर सको, मतलब दिमाग ना इस थोड़ा फ्रेश रहो है, मन आज काफी सुधार लग गया अपने इस काम को करने था, मतलब दिमाग शांत रहा, ये नहीं था दिमाग में भाई ये करना वो करना है, काफी काम निमट गए थे मेरे तो उससे बहुत लाभ मिला मन तो। ये पता नहीं मैं क्या दिन ती रहूंगी ऐसे, मेरा थोड़ा हा होया अगर मैं कुछ रूल ना कुछ दिन ती फॉलो करूं फिर भूल जाऊं उन्हें, फिर ये हो जाएगा मेरा भैया अपना ही काम है चलता रहूगा भाई, काम तो अपना ही हुआ है लेकिन वो समय तो निपट जाओ तो और बढ़िया रहे है। ब्लॉग बढ़िया लग गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो बेबे, और ब्लॉग को पूरा देखा करो, और जो ही पूरा ब्लॉग देख दियो बताया करो, कमेंट कराया करो कि भाई पूरा देखा है, और कौन कौन ब्लॉग देखा है कमेंट जरूर कराया करो। Yeah.